नमस्कार दोस्तों, अमीर अभी हम लोग हैं गांव करमगढ़ जिला जींद में और यहां पर भाई लड़की का कुआ पूजन किया जा रहा है। और इससे पहले है जो एक लड़का था, इनको अभी लड़की हुई है और उसके ऊपर कुआ पूजन का कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग इस चीज़ को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं भाई, जिस तरह से समाज में लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता था, लेकिन आज के समय में लड़की के जन्म पर भी कुआ पूजन का आयोजन किया जा रहा है। और चाहे ए टू जेड हरियाणा से जो बड़े भाई हैं सोनू दलाल, वो भी लगातार इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। सतीश दनोदा हैं स्पेशल हरियाणा से, और हमारी जो टीम है गाँव कोतकला की, इस चीज़ को हम लोग लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए हम लोग बातचीत करेंगे जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या नाम है मैम, आपका नाम क्या है? मोनिका रानी। मोनिका रानी, अच्छा। देखिए जो लड़की की माता जी है उनसे बातचीत करेंगे। जो ये आपकी लड़की हुई, ये कार्यक्रम का आयोजन किया, कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है जी, मेरा पहले लड़का था, भी तीन बहन हाँ। बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है मेरा, इनका पापा का, सभी घर वालों का, इसलिए लड़की का हमने तो सुटन किया है। अच्छा, आप बेटी कौन से गाँव से हो? बेटी सूर्यवाला चौक से जी। और जो आपके परिवार वाले क्या बोल रहे थे, लड़की का पूजन पे इस तरह कार्यक्रम होना चाहिए? हाँ, पूजन का होना चाहिए, पूरा सहयोग है जी, पूरे परिवार का, सभी गांव वालों का भी अच्छा संदेश मिला जी सभी को, कोई लड़की को मारे नहीं बल्कि लड़की को अपनाए, इसीलिए अच्छा संदेश देना चाहते हैं जी, लड़की भी लड़के के समान होनी चाहिए जी सबको। देखो जी, अपने समाज में जो लड़का लड़की में कहीं ना कहीं पहले भेदभाव था, लड़की का जन्म हो जाए तो आप बुरा मान चाहते हैं जी, कोई भी लड़का लड़की में भेदभाव ना करे, लड़का लड़की एक समान होने चाहिए, लड़की को भी पढ़ाओ लिखाओ कामयाब बनाओ, हम बस यही चाहते हैं। इनके पिता का नाम नरेश है? हाँ, नरेश कुमार। अच्छा, नरेश के पहले है बुआ बावर और परिवार में है जी दो? अच्छा, हाँ, बहन नहीं थी जी इसका, इसलिए तो बहुत ज्यादा खुशी है जी। देखो, कोई ना कहीं समाज में लड़की पैदा हो जाए, डर भी का भी माहौल है, क्योंकि बहुत सारे देखने को मिला है समाज में जो बुराई फैल रही उसको लेकर। हमने तो लड़के से भी ज्यादा लड़की की खुशी हुई है जी। अच्छा, हाँ, तो लड़के के टाइम पर तो शूटिंग वगैरह कुछ किया भी नहीं था, लड़की ये है मेरा लड़का जी। अच्छा, हाँ, कितनी खुशी है बेबे की? बेबे होगी खुशी है पूरी है, बहुत ज्यादा। अच्छा, और दोस्तों बताना चाहूंगा भाई, एक रोटी पानी का प्रोग्राम था, अपना जो भाईचारा है उनको लिए रोटी पानी का पूरा प्रोग्राम किया गया था। और क्या कहना चाहोगे जिनके लड़की हुआ बुरा मानना है जी? इसमें देखो बुरा की क्या बात है, ये तो भगवान की देन है जी, लड़का लड़की जी, जो इसमें लड़की का क्या कसूर है जी, मैं तो ये कहूँ जी, जिसका भी लड़की हो अपनाओ, लड़की अपना भाग्य का खुद लिखाया क्या हुआ जी, चाहे एक दो कितनी भी हो जाओ जी, लड़की को मारना नहीं चाहिए जी, लड़का लड़की एक समान होने चाहिए जी। बहुत दादा दादी का तो बहुत ज्यादा खुशी है जी, पूरे परिवार का बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ, खड़े हैं जी दादा जी है। दादी जी क्या कहना चाहोगे, पोती हुई आप? हाँ, पोती। पूरी खुशी है? हाँ, खुशी। और हम बिना खुशी रोटी थोड़े बनाते हैं। हाँ, पूरी खुशी है। देखो दादी जी, जो पहले होया करती नहीं लड़की, बहुत सारी बुरा मान्या करते, हमारे लड़की होगी तो खुशी मनाया कौन करते, और जो लड़का हो जाए तो थाली बजाने की परंपरा है, पोती की थाली बजाई। और चढ़ाई करती दादा की देर कुछ आई है हमारा तो, और बेटी को दादा का, और फिर समाज में क्या संदेश देना चाहोगे? समाज में तो कुछ कुछ का वही मिला का भी है, और जब बेटियां नहीं होगी जब फिर बहू करता हूँ। बहुत बड़ा संदेश तो यही है, और सबका एक तो सबका हो, हो गया। नरेश जी, आज किस प्रकार जैसे लड़की हुई है तो कितनी खुशी है आपको? जो जैसे भी हमने ये प्रोग्राम किया ना, एक पहले मेरे एक लड़का था, अभी एक लड़की हुई है, हमने उसकी खुशी में थोड़ा सा प्रोग्राम रखा है। क्या साल का हो गया लड़का? जो लड़का 9 साल का है और एक अभी लड़की हुई है। अच्छा, उसके लिए बस थोड़ा सा हमने वह खुशी के आनंद में थोड़ा सा ये प्रोग्राम किया, अगर गाँव के लिए या थोड़ा समाज में ये चाहते हैं वे लड़की को बढ़ावा दें।
देखो लड़का लड़की में कोई भेदभाव न करते हुए इस दुनिया में देखो दोनों समान है, कोई भी हो लड़की है या लड़का है एक समान है। और उसको भाई आगे यही मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हर कोई अपनी लड़की की बजाय लड़की को ज़्यादा वो दें, तवज्जो दें, ताकि ये समाज आगे बढ़े। नरेश जी अगर देखा जाओ तो लड़का को ज़्यादा अहमियत दे जाओ, लड़का का जन्म पर थाली बजाए जाओ ढोल बजाए जाओ हैं और लड़की का जन्म पर जो दादी है वह भी अपनी त्योड़ी चढ़ा ले हैं, तो इसका बारे में आप क्या कुछ कहोगे? देखो ऐसा है कि अभी वो सोच जाने लग रही है धीरे धीरे, समाज इस चीज से दूर होने लग रहा है, वो चाहता है कि हाँ भाई समझने लगा है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। जब लड़की ही नहीं होगी तो फिर लड़के को आगे भाई हमारा परिवार कैसे चलेगा? लड़की से ही सब कुछ, लड़की से बहू बना है और लड़की माँ बना है और लड़की ही दादी बना है, हर चीज उसके बिना तो आगे परिवार नहीं चलता, यही संभव नहीं है। तो फिर आपने किस तरह सोचा कि मैं इस तरह का प्रोग्राम रचूं समाज में अच्छा संदेश जावे? वैसे बस दिल को खुशी थी भाई लड़की होने पर, जैसे मेरे बहन नहीं थी भाई, परिवार में दो लड़कियां थी पहले तो हम लड़कियां चाहते थे, तो मेरे सारा परिवार यही चाहता था भाई कि लड़कियां को बढ़ावा देना चाहता, सारा परिवार यही है, मेरे अकेले की नहीं है, मेरा परिवार यही चाहता। और दादा दादी को भी पूरी खुशी? हाँ, पूरी खुशी है, तो तभी आप लोग आए हुए हैं और आप लोगों के सामने है तो सब कुछ, और रिश्तेदारी भी आ रही है, भाईचारा जुड़ रहा है, कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी सब कुछ था, आप लोगों ने यहाँ पर रिश्तेदारी के मीडिया वालों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, ये लड़की के दादाजी है उनसे बात कराएं। ताऊ जी राम राम। राम राम। लड़की हुई है, कितना खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है, पोती हुई है। हाँ। तो किस तरह के प्रोग्राम करिए क्या? बन्यू है, खाना पीने का, रिश्तेदार आ रहे हैं, सगे संबंधी आ रहे हैं, भाईचारे के लोग हैं, पूरे अपना जो पूरा परिवार है सारा में खुशी का माहौल है, सारे बैठे हैं। ताऊ जी अगर देखा जाए पहला जो कर माहौल होया कर लड़की पैदा हो जाकर दी तो दादी थी या फिर ताई ला लो त्योड़ी चढ़ा लिया कर दी, लेकिन आज एक अच्छा संदेश जाओ है समाज में, तो उसके बारे में आपके कुछ पहला कहना? जो पहला पुरानी लुगाई थी औरतें थी, हाँ। मैं खुद भी औरत थी लेकिन औरत नहीं पैदा करना चाहती, मतलब वंश सिर्फ लड़का ही चलाता है, लड़की नहीं चलाती, लेकिन युग बदल गया, तो लड़की बड़े बड़े पदों पर है, राष्ट्रपति लड़की रैली से देश की बहुत सारे रहने चाहिए, बहुत सबना चाहिए, लड़की कम चाहिए, और वह बात अब लड़की नहीं होगी तो बहू करता होगी, तो हम तो बड़ी खुशी है, पोती होगी 8 साल के बाद, पहला पोता है 8 साल का, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, बाकी ये सारे मेरे भाई बेटे हैं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहोगे? वो तो एक बार शमशेर सिंह सुरजड़ा मंत्री हो गए थे नरवाना के अंदर, उसने मिलावट खोर पे, मैं उसका खिलाफ भी हूँ, मिलावट खोरी पे एक ऐसा बयान दिया था बिला इन क्या था तेरा क्यों गया तो ना, कोई बोलो बोलो, मतलब जो मिलावट खोर है नहीं उनको फांसी सजा होनी चाहिए, यही मैं कहता हूँ, हत्या करने वाले को फांसी सजा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कितना बड़ा संदेश है, जो भ्रूण हत्या करे नहीं फांसी की सजा, फांसी और जल्दी हो ताकि समाज के लोगों ने मेरा पटा पे इसका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, भारत में एक कम है, रिजल्ट लेट आवा है, फांसी तो है, उनकी सजा भी वह कृत्य करने वाले लोग, लेकिन धीमी चलन के कारण लोग उस चीज को हटना भूल जाए, इसको तेज करो न्याय प्रणाली को, ठीक है? देखो भाई करमगढ़ है जिला जींद, गांव करमगढ़ है, और दादाजी से बात कर ली, उनकी माताजी से, दादी जी से और उसके पिताजी से बात कर ली है, तो एक बहुत अच्छा संदेश गया है यो समाज में, भाई लड़का और लड़की बिल्कुल समान है, लड़की पैदा हुआ है, पहला लड़की हुआ है, फिर बहू बना है, और उसके बाद सासू भी बना, माँ भी बना, सारी बात उसे मायजे है, क्योंकि जन्म तो जन्म लड़की देवा है, और भाई यो एक बहुत बढ़िया संदेश था, इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और भी जो भ्रूण हत्या चल रही है उनको भी सबक सिखाया जा सके, और भी जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी लड़ा जा सके, तो एक बहुत बढ़िया संदेश था यो, और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।